देखिए आदि के लिए लाई थी मैं ये जिगी का चौको स्टार। मैगी बना दो। ओके मैरी क्रिसमस बोलते हैं। चलो मैं लिफ्ट आ गई, आओ जाना है। लेकिन हाँ मेरे को पार्लर जरूर जाना है। हेलो गाइस, वेलकम टू द विस्नी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और आदि का स्कूल का वक्त हो गया है, तो आदि जा रहे हैं आज क्रिसमस पार्टी में, उनके स्कूल में क्रिसमस पार्टी। तो चलिए थोड़ा दिखाती हूँ कि आदि कैसे लग रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो कल का भी हाँ दिन उसका था और आज का भी है। हैं क्यों है? अच्छा, क्योंकि कल भी पार्टी थी स्कूल में और आज भी है। अच्छा पहले दिखा दूँ आपको, ये देखिए आदि बन के जा रहा है रेड एंड व्हाइट, और ये सेंटा क्लॉस वाली कैप, क्योंकि आदि के स्कूल में आज क्रिसमस की पार्टी। चलो आके कब के लिए जा रहे हो? चलो आके पूछते हैं आपको क्या मजा आया नहीं आया। ठीक है, तो पापा जी छोड़ने जा रहे हैं आदि को नीचे वैन तक। आदि बाय। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है। मम्मी जी मम्मी जी देख रही हैं फोन। आदि बाय। हाँ वैन को आधा घंटा लग गया। सो गाइस ये जल्दी तैयार हो गए थे इस, और वैन आई है लेट थोड़ा सा, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अब हम जा रहे थे मंदिर, आदि को स्कूल के बाद हम जा रहे थे मंदिर। और जैसे आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी में दो मंदिर बने हुए थे, जो खुद ही इन लोगों ने बना लिए थे, सोसाइटी वाले लोगों ने, वो दोनों ही हटा दिए गए हैं। इसीलिए हमें अब थोड़ा घर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ पर हम जा रहे हैं अपना नियम करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए शिव जी पर। तो ये देखिए गाइस ये है मंदिर, और इस तरीके से हम आ गए हैं, और मम्मी जी उतरी थी गाड़ी से। ये है मंदिर, और इसके अंदर का भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मंदिर अंदर से। तो ये देखिए सबसे पहले घुसते ही है देवी माता की मूर्ति, देवी माता बनी हुई है उसके अंदर। हम जाएंगे तो ये इतना लंबा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर बने हुए हनुमान जी, और यहाँ पर लड्डू राम जी भी रखे हुए हैं, और ये तस्वीर है, यहाँ पर शिव पार्वती जी बने हैं, और मेन हमें शिव जी को जल चढ़ाना होता है रोज, तो यहाँ पे मम्मी जी जल चढ़ा रही हैं। ये गाड़ी पार्क करके आ रहे थे तो हम उसके बाद चढ़ाएंगे। इस तरीके से मम्मी जी अपनी कर रही हैं पूजा, और इसके अंदर बने हुए हैं राम दरबार पूरा, राम जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी ऑफ कोर्स, तो ये हैं यहाँ पे। तो गाइस किचन में आ गई हूँ मैं, और नाश्ता है रेडी। दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है नाश्ते में। तो नाश्ते में बनाई है हमने आलू मटर की सब्जी और मेथी के पराठे। तो पहले दिखा दियो कि मेथी के पराठे किस तरीके से बनाते हैं हम। सो गाइज ये देखिए ये है मेथी के पराठों का आटा। तो गाइज हमारा नॉर्मल आटा मांडते हैं, सूखा जो आटा होता है उसके अंदर बारीक कटी हुई मेथी, जो कच्ची होती है मेथी, मतलब जो मेथी हमारी आती है उसको धोकर काट कर रख लेना है, और उसको फिर इसके साथ मिक्स करके हमें आटा गूंथना है। इसमें हमने डाला है नमक और हींग, आप थोड़ी सी चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसके बनेंगे पराठे, और इसके साथ बनाई हमने आलू मटर की सब्जी। तो जब ये पराठे बन जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनका लुक है। वैसे तो सर्दी का टाइम है तो सब लोग खाते ही होंगे, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने बनाए थे पनीर, पालक पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, और मैंने तो दो बार खाई, दो टाइम खाई मैंने, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। और अब ये जो है आटा ग्रीन वाला, इसके बनाएंगे हम पराठे। तो सो गाइस देखिए रेडी हो चुका है पराठा, और इस तरीके से सिका है ये एकदम करारा सा, और ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है देखने से ही। और आलू मटर की सब्जी और गाजर का अचार, और ये हो गया हमारा आज का नाश्ता, बहुत ही टेस्टी। तो इसको मैं देकर आती हूँ मम्मी जी को, और जब मैं खाऊंगी उसके बाद आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा है। सो गाइज अब मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, मम्मी जी बना रही थी मेरे लिए पराठे, मैंने कहा ये गरम गरम ही अच्छे लगेंगे, इसलिए मम्मी जी मेरे को बनाकर खिला रही हैं। और गाइज अब मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे लगे, मुझे बहुत टेस्टी लगे एक्चुअली। पापा जी बात करते फोन पे इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की अपनी। गाइज नाश्ता हो चुका है, और मैंने आपको बताया कि बहुत ही टेस्टी बना है, उस समय पापा जी फोन में बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं और वॉइस ओवर दे दिया। और ये देखिए गाइज बर्तन पूरी सिंक, ये देखिए किचन थोड़ी सी फैल जाती है, और अब हमें ज़रा इनको क्लीन करना है, और बेड नहीं लगा रखी मैंने तो इसे मुझे ही करने हैं। ठंडा तो है पानी लेकिन कोई नहीं करेंगे, तो इसको क्लीन करने के बाद मैं फिर चेंज करके कपड़े बनाऊंगी शॉर्ट्स वीडियो, तो उसके दिखाऊंगी आपको आज कि मैं कौन सा सूट पहनी हूँ, क्या लुक ले रही हूँ।
सो गाइज मैंने जैसे कहा था अभी कि मैं जरा क्लीन करके मिलती हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर रही थी जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये देख रहे हो आप तवा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि कितना मेरा तवा गंदा हो गया आज पराठे बनाने में और वो कैसे क्लीन कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए गाइज कितना गंदा हो रहा है तवा, और मैंने इसको रख दिया है गैस पर थोड़ा गर्म होने के लिए, ताकि गर्म जब हो जाएगा थोड़ा तभी ये क्लीन होगा। तो क्लीन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को, और उन्होंने क्लीन करके दिखाया था तवा, बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये मैं डेली तो नहीं, लेकिन जब मेरा तवा बहुत ज्यादा जल जाता है तो करती हूँ। तो वैसे मैं मेरा तवा बिल्कुल साफ रहता है, एकदम चिकना, अच्छा, एकदम बढ़िया। लेकिन जब कभी पराठे बनते हैं तो ये गंदा हो जाता है, क्योंकि हाई फ्लेम में बनते हैं, कभी लो फ्लेम, तो इससे हो जाता है। तो सबसे पहले तवे को कर लेंगे हम गरम, जिस तरीके से मैंने कर लिया। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको लेना है खाने का सोडा और लेना है नींबू। तो खाने का सोडा थोड़ा छिड़क कर इसके ऊपर, और नींबू निचोड़ देंगे, और उस नींबू को फिर चिमटे से अच्छे से क्लीन करेंगे जो तवा है, उसके बाद उसको ईट से साफ करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ मैं। सो गाइस इस तरीके से मैंने इस पर डाल दिया है खाने का सोडा, और अब मैं इसके लिए लूंगी आधा नींबू, बहुत रहेगा मुझे, ये नींबू ऐसा अटका कि टूट नहीं रहा है। तो आधा नींबू लेकर इसमें आपको पूरे अच्छे से निचोड़ना है। तो ये देखिए, क्योंकि जो खटाई है, जो खट्टापन है, वो आयरन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ये देखिए इस तरीके से निचोड़ दिया, और फिर इस नींबू को मुझे ऐसे करके पूरा सा साफ करना है, तो हाथ ना जले, इसलिए यू कैन टेक चिमटा। तो ये देखिए ऐसे आपको इस तरीके से करना है क्लीन। ये देखिए तवा भी घूम रहा है, मैंने आगे से पकड़ रखा है कैमरा। तो ये जो हो गया है, तो अब इसके ऊपर आपको विम लिक्विड यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, उसको डालकर करना है ईट से साफ। तो चलिए मैं साफ कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा तवा किस तरीके से साफ हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ईट से अच्छे से रगड़ा है, और धोके दिखाती हूँ आपको कि ये बिल्कुल साफ हो गया है। तो ये देखिए गाइस तवा किस तरीके से ये क्लीन हुआ है, बिल्कुल चमक गया है। ये देखिए एकदम क्लियर कट, एकदम साफ। सो आपने देखा होगा कि कितना गंदा जला हुआ था, और इस प्रोसीजर से, इस टेक्निक से ये क्लीन हो गया, और बहुत इजी है। आप पहले मैं नहीं करती थी इस तरीके से क्लीन, लेकिन जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ऐसे चमका तवा, और आप इसे रेगुलर करेंगे तो ये बिल्कुल और वाइट होता चले जाएगा। गाइज घर का काम मेरा हो चुका है, और आदि आ चुके हैं स्कूल से, और आते ही इन्हें चैन नहीं है, खा रहे अपना कपकेक, क्योंकि आज स्कूल में थी पार्टी जैसे मैं आपको बताया, और कुछ डेकोरेशन का सामान और कुछ खाने पीने की चीजें हमने भेजी थी आदि के साथ स्कूल में। आते ही आप शुरू हो गए मफिन खाना। अच्छा है, अभी भी बाकी है। पहले बताओ स्कूल की पार्टी कैसी थी? अरे आराम से, पहले डांस कर रहा था, उसके बाद क्लास में जाके पता नहीं क्या कर रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ। आपकी वीडियो आई मेरे पास स्कूल से, तो मैंने देखी डांस कर रहे थे आप जिंगल बेल पे। मजा किया? पढ़ाई हुई स्कूल में आज? हाँ। पढ़ाई नहीं हुई, मस्ती करी? और आपकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी 3 दिन की? हाँ, छुट्टियाँ पड़ जाएगी। सैटरडे को नानी के जाओगे? संडे को बिल्कुल नहीं, सैटरडे को जाओगे? सैटरडे को तो ट्यूशन होता ना आपको? लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ मम्मी जी इशारा कर रही हैं, क्या कह रहे हो मम्मी जी? ठीक करेंगे ये, जाएंगे ये। भेजो ये देखो अम्मा गुस्सा कर रही है, मैं यहाँ आई हूँ, ये नानी के जाएगा? ये देखो छुट्टी कराओ मम्मी ट्यूशन की, पिटाई हो जाएगी। अम्मा पिटाएंगी, अब अद्दू अम्मा पिटाई करेंगी। ये देखो नानी के जाना है, बीमार है, अपने आप ही छुट्टी कर रही है। अपने आप ही बीमार हो तो? हाँ, अभी तो ट्यूशन टीचर, आदि की ट्यूशन टीचर ही बीमार है, आज भी पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। ये ट्यूशन को कल की छुट्टी हो गई थी। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कितने जगह वापस कोरोना आ चुका है, तो गाइस अपना जरा ख्याल रखे, अपना भी और अपने बच्चों का भी, है ना। अभी देखते हैं, आज पूछेंगे इनकी ट्यूशन टीचर से कि जाना है नहीं जाना है। A few moments later. So guys, हो चुकी हूँ मैं रेडी, और आज मैंने पहने हैं ये लाइट ब्लू कलर के, या ग्रे स्टोन में है ये, थोड़ा सा
ईयर रिंग्स, और ये मेरे बड़े ही पसंदीदा ईयर रिंग्स हैं। ये मेरी सिस्टर ने दी थी मुझे बर्थडे पे, और काफ़ी साल हो गए इनको और फिर भी एज इट इज़ हैं। इनकी जो तो शाइन है, और सूट मैंने पहना है ये पिंक कलर का, और बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल हल्का बहुत बना के, और अब मैं जा रही हूँ वीडियोस बनाने, और वीडियोस बना के फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और फिर देखते हैं आदि को ट्यूशन छोड़ने जाना है या नहीं जाना है। लेकिन हाँ, मेरे को पार्लर ज़रूर जाना है, क्योंकि अब 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह मेरे को करा कर आनी है। तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ अपनी वीडियो। सो गाइज, वीडियो वगैरह मेरी हो गई हैं, बना दी हैं मैंने, डाल दी हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे। तो पहले मैं इंस्टा पे नहीं बना रही थी, लेकिन सोचा कि इंस्टाग्राम पे भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बस मैंने इंस्टा पे भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो वीडियो वगैरह का काम हो चुका है, और थोड़ी थकावट भी हो गई है वीडियोज़ बना के। बस अब थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। One hour later. बस आदि को भी ट्यूशन छोड़ा है मैंने, और बड़ी मुश्किल से गया है, क्योंकि वही है, रोज का टाइम ऐसा हो जाता है कि वो सो जाता है और मैं भी सो जाती हूँ, तो बस नींद तो तोड़नी पड़ेगी। तो उसको लेकर आई ट्यूशन, और मैं जा रही हूँ जरा पार्लर, मैंने आपको बताया था, तो थ्रेडिंग वगैरह करानी है। तो जा रही हूँ एच ब्लॉक, और वहां से उन्होंने मुझे दे दी है जरा हिदायत कि मेरे लिए सामान ले आना खाने का। तो बस जा रही हूँ वहीं, और उसके बाद जाऊंगी घर। बहुत आलस आता है गाइस मेरे को पार्लर जाने में, लेकिन जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है जाना। बस जा रहे हैं, वही एच ब्लॉक हमारा, जहाँ हमेशा जाते हैं हम। देखा ही होगा आपने, अगर नहीं देखा तो मैं जो मेरा ब्लॉग है पहले पर देखे ना, उनके लिए आज मैं चलो दिखा देती हूँ कि एच ब्लॉक हमारी साइड का कहाँ है जाना। तो मार्केट वगैरह बनी हुई है, तो दिखाती हूँ। तो ये देखिए जहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ मंदिर हुआ करता था, एक मैंने पहले आपको दिखाया था, दूसरा यहाँ वो करता था टेंट वगैरह लगा के। और ये है पूरी एच ब्लॉक की मार्केट, बस यहीं से मैं अपना काम करा के निकलूंगी घर। सो गाइस, यहाँ मैं आई थी आदि के लिए और अपने लिए कुछ थोड़ा सा कुछ सामान लेने। थ्रेडिंग वगैरह मैंने करा ली है, और फेस पे एक अलग ही ग्लो सा आता है थ्रेडिंग वगैरह करा के। कुछ सामान लेना था, वो ले लिया है अंकल की शॉप से। बस अब जा रही हूँ घर, और सारी नींद उड़ गई मेरी, क्योंकि जितनी नींद में मैं आई थी आदि को छोड़ने के लिए, उतनी नींद ख़त्म हो चुकी है। तो अब जा रहे हैं घर, और बनाएंगे अब चाय वगैरह। सो गाइस, आ चुकी हूँ मैं किचन में। लाइक मेरा हमेशा का डायलॉग कि आ चुकी हूँ मैं किचन में, और अब बना रहे हैं चाय। पापा जी भी आ चुके हैं, और आदि भी ट्यूशन से नहीं आया, उसको भी टाइम है 1 घंटा आने में। तो बस अभी भी आके हमने जो चीज़ लाई थी खाने की वो खाई है, एंजॉय किया है, और अब हम बनाने वाले हैं अपनी चाय रोज के रूटीन वाली। और इसलिए मैंने ऐसा ढक रखा है क्योंकि पापा जी आ गए घर में। तो बस अब चाय बनाते हैं, और सोचते हैं कि डिनर क्या बनाना है, बस उसी का देखना है, क्योंकि मेन हम लोगों औरतों की यही होता है कि खाने में क्या बनाया जाए। तो सुबह तो हमने मेथी के पराठे, आलू मटर की सब्जी खा ली थी, अब देखते हैं आगे कि रात में हम क्या बनाते हैं खाने में। सो गाइज आ चुकी हूँ आदि को ट्यूशन लेने के लिए, और ये देखिए आदि की मस्ती, ट्यूशन फिनिश। ओके, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। चलो माई लिफ्ट आ गई, आओ। सो गाइस, लिफ्ट आ गई है हमारी, ये देखो मस्ती, क्योंकि मैं आदि जी इधर तो जाओ, आप देखोगे कैसे हा? क्योंकि आदि को पता है मैं स्टार वाला केक लेके आई हूँ आदि के लिए, है ना। मस्ती। सो देखो, जाते वक्त गाइस ठंड है, तो इसलिए मैंने ऐसे ओढ़ रखा है मैं शॉल, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो जाते वक्त तो इनका मूड कुछ और ही होता है, आते वक्त कुछ और ही होता है। देखो मस्ती होती है पूरी, है ना आदि, कि जाके घर पे कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा खाने के लिए, मम्मी कुछ ना लाती रहती है। तो यही होता है, बच्चों को बहुत लालच देना पड़ता है कि चलो ट्यूशन जाओ, ये लेके आऊंगी, वो लेके आऊंगी। तो चले आदि, चलो चलो। तो ये देखिए गाइस, रात भी हो गई है। आदि देखिए, आदि के लिए लाई थी मैं ये जिगी का चोको स्टार, और एक लॉलीपॉप। आदि मजे आ गए, खुश देखो। तो गाइज, ये तो मैंने भी खाया हुआ है, रात को खाया है, बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं अपने लिए लेके आई थी ना एक, और अम्मा के लिए कुछ और लाई थी, मम्मी जी के लिए कुछ और लाई थी, आपके लिए कुछ और लाई, अपने लिए कुछ और लाई, ये लो खाओ। बच्चों की मस्ती रहती है पूरी। ये देखो अब इनकी लॉलीपॉप में करनी पड़ी, दिखाओ दिखाओ, चलो करते हैं एंजॉय। तो अब्दुल करेगा लॉलीपॉप एंजॉय। सो गाइज, हस्बैंड जी आ चुके हैं, हम फिर से आ चुके हैं किचन में उनके लिए, और बना रहे हैं मैगी। टमाटर लिया है, तो
मैसेज आया था फोन पे। सो बोला तो नहीं है सचिन उन्होंने कि मुझे प्याज टमाटर वाली खानी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं प्याज टमाटर वाली बनाऊं। प्याज टमाटर वाली मैगी नॉर्मल मैगी से ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से प्याज और टमाटर वाली मैगी बनाती हूँ। ये देखो यहाँ आलू अलग ही मैगी के टुकड़े करने में लग रहे हैं। तू छोड़ दो छोड़ दो, टुकड़े करके तो ये बहुत ज्यादा टुकड़े भी नहीं करने ना हम, बड़े बड़े वो ये जो होती हैं लंबी लंबी अच्छी लगती हैं, है ना। लंबी लंबी ऐसे नहीं, लंबी लंबी मुंह में बहुत ज्यादा आ जाती है, मुंह में ज्यादा आ जाती है और बहुत लंबा बचाता है। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी टुकड़े लंबी वाली टुकड़े कर रहे हैं। हाँ? ये अपना टुकड़े करने में मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने पहले रख दिया फ्राइंग पैन, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड। तो रिफाइंड डाल दिया है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज और टमाटर। तो पहले मैं चॉप कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस प्याज मैंने चॉप कर ली है, तो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। माय गॉड रिफाइंड तेज हो गया लगता है। तो ये चॉप की भी प्याज डाल दी है, इसने ये होगी फ्राई। मैं टमाटो भी इसी तरीके से चॉप कर लूंगी, और मैं यूज करती हूँ ये वाला चॉपर क्योंकि मेरा जो दूसरा चॉपर था वो खराब हो गया, तो मुझे लाना है नया। और मैं ये वाला चॉपर यूज करती हूँ कि रख के आप प्रेस करो इस तरीके से और ये यूज हो जाता है। थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है, वैसे तो ये फ्रेंच फ्राइज कटर था मेरा, लेकिन इसमें ये सब चीजें भी हो जाती हैं। तो इतने पकड़ी है हमारी प्याज, इतने में टमाटो को चॉप कर लेती हूँ। सो गाइस देखिए फ्राई हो चुकी है प्याज, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं कर रही है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर कटे हुए, और उसके बाद इसको अच्छे से हमें करना है फ्राई। तो इतने फ्राई होते हैं, इतने मैं इसका मसाला खोल लेती हूँ। सो गाइस देखिए भून चुके हैं, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैगी मसाला जो इसके साथ आता है। तो मैं बना रही हूँ दो मैगी, तो मैं दोनों पाउच डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया, ये और डाल देती हूँ, और डाल के इसको अच्छे से करूंगी मिक्स। तो गाइस मसाला भी डाल दिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। तो बस इस पानी में आने का उबाल आएगा, जब उबाल फिर हमें डाल देंगे इसके अंदर मैगी। सो गाइस आ गया है उबाल, और ये सारी मैगी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको अब अच्छे से हमें पकाना है। एक टुकड़ा करना ही पड़ेगा वरना गलने की नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से ना फिर ये गिलगिली सी हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमको। तो अब ये सारा मैगी जब एब्जॉर्ब कर लेगी पानी, गल जाएगी, तो रेडी हो जाएगी हमारी मैगी। गाइस बिल्कुल भी दो मिनट में नहीं बनती है मैगी, कहने की बात है कि टू मिनट्स में मैगी रेडी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसे नॉर्मल भी बनाओगे ना बिना प्याज टमाटर तो भी नहीं बनेगी। तो गाइस तैयार हो चुकी है मैगी, और मैं टेस्ट भी कर ली है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप चाहे तो इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो वगैरह, चीज डाल लो, बटर डाल लो, बहुत कुछ डालो, भी मुझे ऐसी ही सिंपल अच्छी लगती है। सो गाइस ये है रेडी, और मम्मी जी कर रही है जाने की बात है। मम्मी जी कहाँ जा रही हो? पल्लेगर जा रही है। देखो अब मम्मी जी क्या कर रहे हो, ये गाजर अच्छा डाल दी मैं, खा लोगे महीने भर। अच्छा मम्मी जी तैयारी कर रही है भैया के घर जाने की, तो कह रही है मैं जाऊँ इससे पहले मैं अचार डाल जाती हूँ। हाँ जी कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। अच्छी बनी है, मैंने बिना कहे प्याज टमाटर वाली बनाई है। देखो आपने बोला था बस मैगी बना दो। माय गॉड लुक एट हिज एक्टिंग। नहीं सच्ची में आपने सिंपल बोली थी ना। अब इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। क्या दोगे? गाजर लेफड़ गाजर। ओ माय गॉड देख रहे हो गाइस, ये लेफड़ गाजर, गाजर खा यार। कुछ और अच्छा सा देना चाहिए था। देखो प्याज टमाटर की मैगी बनाई है, काट के इतनी मेहनत करके मैंने। ये देखो अलग ही हरी मिर्च डाली ना, हरी मिर्च तो खत्म हो गई। हरी मिर्च मैं कहूंगी 150 रुपया लेगा, ठीक है 150 रुपया लेगा मैगी बनाने के। हाँ एक रुपया लेगा, 10 पैकेट बनाकर खा लेगा। हैं इतने में हम 10 पैकेट बनाकर खा लेगा। ये बढ़िया है, सही है।
ये मत बोलो बीवी कितने पैसे लेती है ना, कैमरे भी नहीं बोलते बिल्कुल भी। तो गाइस हम कर लेते हैं अपनी मैगी एंजॉय। 3 hours later सो गाइस फाइनली दिन का सारा काम वगैरह हो चुका है, हमारा डिनर वगैरह भी हो चुका है और अब हम जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने के लिए क्योंकि आज बिग बॉस बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हुई एंड, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।